फोकस है। हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। आज का टारगेट ये है बेटा, 11 इलस्ट्रेशन से लेकर 17 तक यही करने हैं। होमवर्क कुछ नहीं दे रहा मैं, ठीक है ना। 11 से लेकर 17 इलस्ट्रेशन तक मुझे यही कराने हैं, कुछ होमवर्क नहीं है बेटा। स्टार्ट करते हैं 11th इलस्ट्रेशन से। लो प्यारे बच्चों, फटाफट से निकालो 11th इलस्ट्रेशन। बेटा बुक में पेज नंबर 8.14 पे हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 11 पढ़ते हैं पहले फटाफट से। कहता है बेटा, प्रकाश लिमिटेड परचेज्ड एसेट वर्थ ₹2,20,000 एंड ऑल्सो टुक ओवर द लाइबिलिटीज ऑफ 40,000 ऑफ अजय लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 1,92,000। प्रकाश लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। लो जी सामने देखो, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। बाबू कुछ भी लेवल नहीं है, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि अगर इशू ऑफ शेयर ढंग से किया तो इसमें कुछ भी नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 11, बाबू हमने एसेट्स परचेज करी, चाहे लिख लो सन्ड्री एसेट्स चाहे लिख लो एसेट्स। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, शायद लाइबिलिटी का नाम क्रेडिटर गिवेन है आपको, तो हमने बेटा क्रेडिटर भी परचेज करे हैं। सॉरी ये 220 है शायद। एसेट्स है बेटा 2,20,000 की, क्रेडिटर हैं 40,000 के, और आपको कहा जाता है कि आपने परचेज कंसिडरेशन पे करी 192 अजय लिमिटेड है ना जिसको पे करी हमने कंसिडरेशन 192,000। प्यारे बच्चों सोचना, अब सोचने के दो तरीके हो सकते हैं बेटा। रटने का तरीका तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, कि क्रेडिट साइड का टोटल 2,32,000 है और बेटा डेबिट का टोटल है 2,20,000। ऐसा तो हो नहीं सकता डेबिट क्रेडिट बराबर ना हो, तो डेबिट में कहीं ना कहीं बैलेंसिंग फिगर बच रही है, और डेबिट में बचे तो बेटा हमेशा गुडविल होती है। लेकिन ये रटने का तरीका है, समझने का तरीका क्या है। मैंने एसेट 220 की ली और लाइबिलिटी ली बेटा 40 की, नेट एसेट मैंने 1,80,000 की खरीदी। एसेट तो आ रही है नेट में मेरे पास 180 की, तो मैं 192 तो पे नहीं कर सकता। कोई इंसान इतना बुद्धू नहीं हो सकता जिसको पता हो कि एसेट आ रही है 180 की और मैं 192 पे कर रहा हूं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं 12,000 रुपए की गुडविल है, ठीक है ना। अगर बेटा क्रेडिट में आती है बैलेंसिंग फिगर तो कैपिटल रिजर्व, याद है पुरानी बात ही है, कुछ नई बात ही नहीं करी। तो बेटा अब मैंने अजय लिमिटेड को बेटा परचेज कंसीडरेशन देनी है, मैंने कैसे दी बेटा, हमने डिबेंचर इशू करे हैं एट अ प्रीमियम, और ये डिबेंचर की परसेंटेज है 12% डिबेंचर, नहीं वो तो 10th इलस्ट्रेशन में है, 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 1,92,000 मुझे पे करने हैं, मेरा एक डिबेंचर की कीमत 100+20 यानी कि 120 है, 100 फेस वैल्यू है, और यहां पर हमेशा फेस वैल्यू लिखी जाएगी। लो जी प्यारे बच्चों, पहले कैलकुलेट कर लो कि क्या आता है बेटा इससे कैलकुलेट करके। 1600 बेटा, 1600 डिबेंचर मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू, 1600 डिबेंचर मल्टीप्लाइड बाय द SPR, तो बेटा 1,60,000 रुपए के डिबेंचर और 32,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर बात, सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं किया है ऐसा। तो बाबू आपने काम करना है, अभी ट्राई करना है, एक तो 11th को नोट कर लो, एक बेटा 12th इलस्ट्रेशन फटाफट से ट्राई करके बताओ जल्दी से। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। वीनस लिमिटेड टुक ओवर द एसेट ऑफ 10 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 1,80,000 ऑफ केन्स लिमिटेड फॉर 760। वीनस लिमिटेड इशूड 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द PC इन फेवर ऑफ केन्स लिमिटेड। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वीनस लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजेक्शन
Venus Limited write off all the capital losses in the first year itself. बेटा ये काम की लाइन है 12th illustration में सबसे लास्ट कि Venus Limited अपने जितने भी capital losses है सबको पहले साल में ही set off कर देती है. मैं इसका मतलब बता देता हूं, एक मिनट के लिए सब सामने देख लो. इलस्ट्रेशन नंबर 12 लास्ट लाइन का मतलब बहुत आराम से समझ लो. ऑल्दो बेटा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कभी भी पहले साल में ही सारा एसपीएल में राइट ऑफ नहीं हो जाता. हम कर तो रहे हैं, अभी करेंगे हम आगे आने वाले क्वेश्चन, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी. बेटा मैंने डिबेंचर इशू करे फॉर 10 ईयर्स, 12 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, मैक्सिमम 20 साल के लिए इशू कर सकता हूं. मान लो मैंने 15 साल के लिए इशू कर दिए डिबेंचर्स, ठीक है. और बेटा डिबेंचर इशू करने पे मैंने डिस्काउंट दिया और मान लो बेटा ये डिस्काउंट की वैल्यू है 30 लाख रुपी, ठीक है जी. करोड़ों में डिबेंचर इशू करे, मैं 30 लाख का डिस्काउंट भी दिया हुआ है, मेरे लिए तो लॉस है बेटा. क्या मुझे 30 का 30 साल पहले साल में एसपीएल में राइट ऑफ कर देना चाहिए? नहीं बेटा, इट डिपेंड अपॉन द मैचिंग कंसेप्ट. 11th क्लास में मैचिंग कंसेप्ट पढ़ाया जाता था, मैच योर एक्सपेंसेस विद योर रेवेन्यू, मैच योर रेवेन्यू विद योर एक्सपेंसेस. ये डिबेंचर मुझे 15 साल के लिए बेनिफिट देंगे, तो बेटा ये जो खर्चे हुए हैं ये मेरे को 15 साल में राइट ऑफ करने हैं, ना कि फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. दैट मींस बेटा हर साल 2 लाख रुपए उठा के मुझे राइट ऑफ करने चाहिए. हर साल 15 सालों तक 2 लाख राइट ऑफ करूंगा तो 30 लाख रुपए राइट ऑफ हो जाएंगे. लेकिन इस क्वेश्चन ने क्या कहा, पहले साल में ही सब कुछ राइट ऑफ करके दिखा दो. ठीक है जी, आप जैसे कहोगे हम तो वैसे कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है. बेटा अब देखते हैं क्या क्या खरीदा बेचा. सन्ड्री एसेट्स खरीदी हैं 10 लाख रुपए की, ऐसा ही हुआ है शायद. और बेटा 1,80,000 की लाइबिलिटीज खरीदी हैं. लो मैं यहीं पर ही कर देता हूं फटाफट से. क्वेश्चन में बेटा 10 लाख रुपए की एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं 1,80,000 रुपए की. जब भी एसेट्स के बाद लाइबिलिटी लिखना शुरू करते हो हमेशा एक लाइन छोड़ दो, हमेशा. हो सकता है गुडविल हो सकता है कैपिटल रिजर्व. तो बेटा लाइबिलिटीज 1,80,000 की थी, रिकॉर्ड कर दिया. और कहता है बेटा केन्स लिमिटेड से परचेस कंसीडरेशन तय हुई थी 7,60,000. तो बेटा आप खुद सोचो नेट में मुझे एसेट्स कितने की मिल रही है, 10 लाख माइनस 180, सोचने के लिए बाबू 8,20,000 की. 8,20,000 रुपए की चीज आपने 7,60,000 में खरीद ली, तो कहीं ना कहीं मुनाफा ही तो कमा लिया आपने. और अगर नहीं सोचा जा सकता तो बेटा ये देख लो कि डेबिट साइड का टोटल 10 लाख है, क्रेडिट का 940 तो नहीं हो सकता, ये दोनों को मिला के 940 है. इस साइड का टोटल भी 10 लाख होगा. तो अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रही है दैट मीन्स बेटा वो कैपिटल रिजर्व है, आपको कुछ ना कुछ मुनाफा हुआ है बेटा एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीदने से. मुझे 60,000 रुपए का मुनाफा हुआ है. कहता है आपने केन्स लिमिटेड को कैसे पे करने हैं 7,60,000, आपने बेटा डिबेंचर इशू करे हैं एट डिस्काउंट, ठीक है ना. आपने बेटा डिबेंचर इशू करे हैं एट डिस्काउंट, केन्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट, 9% डिबेंचर्स. तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट. बेटा मुझे 7,60,000 पे करने हैं, मेरे एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी. कहता है 100 का डिबेंचर है फेस वैल्यू, 5% डिस्काउंट, दैट मींस मेरे एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है बेटा, 95 है. ऐसा ही किया. लो बेटा अब क्या है, अब तो क्वेश्चन सिंपल सिंपल है. 8,000 डिबेंचर यहां से कैलकुलेट होकर आ जाएंगे. तो बेटा डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू, मेरे एक डिबेंचर की फेस वैल्यू बेटा 100 रुपए है. और बाबू डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट, और कुछ नहीं करना, इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं. एक मिनट के लिए सामने देखना, सब सामने देखो बेटा. ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हमेशा राइट ऑफ करते हैं एसपीएल से, लेकिन बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे को 60,000 का प्रॉफिट हुआ है यहां पर अभी एसेट्स लाइबिलिटीज खरीदने बेचने से, ठीक है ना. मैंने एसेट्स खरीदी, कुछ लाइबिलिटीज खरीदी, पूरा बिजनेस खरीदा और पूरा बिजनेस से 60,000 का फायदा हुआ और बेटा 40,000 का लॉस कब आया मैंने सेम ही ट्रांजैक्शन में. तो बेटा इस प्रॉफिट से इस लॉस को ही सेट ऑफ कर दो, एसपीएल में ले जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपके पास प्रॉफिट ही पड़ा है.
ठीक है जी। तो बेटा ये लो, इसको राइट ऑफ करना है, बुक से खत्म करना है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इस ट्रांजैक्शन में टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। और बेटा क्या कर देगा ये कुछ नहीं करेगा बेटा, आपके प्रॉफिट उठा के कम कर देगा। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं बेटा, जब कम हो रहे हैं तो बेटा डेबिट ही हो रहे हैं। लो जी ये देखो, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं 60,000 के, क्योंकि मेरे प्रॉफिट कम हो जाएंगे बेटा इसलिए डेबिट हो जाएंगे। 40,000 से कैपिटल रिजर्व कम हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 40,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सब समझ आई बात। बेटा स्टार्ट कर दो इलस्ट्रेशन नंबर 13, पहला अटेम्प्ट आपका ही है, 17 तक करने हैं, जितने हो सकते हैं सारे कर दो। लो बेटा स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 से, पढ़ना एक बार सब मेरे साथ साथ। कहता है डी लिमिटेड परचेस्ड मशीनरी फॉर ₹2,00,000 फ्रॉम ई लिमिटेड ऑन 1st of April 2019। 1 अप्रैल 2019 को डी लिमिटेड ने ई लिमिटेड की मशीनरी ₹2,00,000 में खरीद ली। 25% वाज पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट पेबल आफ्टर 3 मंथ। 25% के लिए आपने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया बेटा 3 महीने का, ठीक है ना। 25% कितना बैठेगा, 2,00,000 का 25% यानी कि 50,000, ठीक है जी। और अभी भी मैंने कितने देने हैं बेटा, ₹1,50,000 देने हैं मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना। और कहता है द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ ₹1,60,000 12% डिबेंचर इन डी लिमिटेड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड। देखो जी बहुत काम की बात बोल रहा हूं, आपने क्या किया बेटा, मशीनरी परचेज करी है 2 लाख की ई लिमिटेड की, डेट डाल लेना क्योंकि इस क्वेश्चन में डेट गिवन है 1 अप्रैल। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ई लिमिटेड अकाउंट, 2 लाख की मशीनरी मैंने परचेज कर ली, मुझे कितना पे करना है ई लिमिटेड को, ₹2,00,000। कैसे पे कर रहा हूं, कहता है 25% तो आपने एक ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, कुछ और नहीं बेटा बिल एक्सेप्ट कर लिया, मैंने एक नई लाइबिलिटी खड़ी कर दी जो मुझे 3 महीने के बाद पे करनी है, बिल्स पेबल अकाउंट। पहले बताओ इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं, मैं ई लिमिटेड को पे कर रहा हूं, मैंने बेटा परचेस कंसिडरेशन में 50,000 का तो बिल एक्सेप्ट कर लिया, 2,00,000 का 25%। अब मैंने कितने पैसे देने, अभी भी 1.5 लाख देने हैं ना। अगर वो कह रहा है आपने बैलेंस के लिए क्या करा, 1,60,000 रुपए के डिबेंचर्स दे दिए, आप खुद समझो, मैंने देने 1.5 लाख है, मैंने 1,60,000 क्यों दे दिए, कहीं ना कहीं मैंने लॉस खा लिया, कहीं ना कहीं मेरे डिबेंचर डिस्काउंट पर इशूड है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कह देता मैंने 1,40,000 के डिबेंचर दे दिए तो इसको प्रीमियम यानी कि मैंने 10,000 इसमें भी कमा लिए, समझ आई बात, दिखाई दे रहा है। लो जी बाबू अब कुछ नहीं करना, देखो यहीं पर ही एडजस्ट कर दो, इन्होंने तो अलग अलग एडजस्ट किया, मैं यहीं एडजस्ट कर दूंगा, 12% डिबेंचर्स अकाउंट बेटा 1,60,000, 10,000 के डिस्काउंट है, यहीं उड़ा देना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। और बेटा बाद में डिस्काउंट को राइट ऑफ भी कर देना एसपीएल से, ठीक है जी, वो कभी नहीं भूलना, मैं कल ही बोल चुका हूं जिस क्वेश्चन में डिस्काउंट आएगी हमेशा राइट ऑफ होगी। तो बेटा एसपीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 10,000 रुपए। फटाफट से बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 15 स्टार्ट कर दो, ठीक है जी, जल्दी करो बेटा, खत्म करने हमने आज ही। लो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 17 करते हैं, सुनना बहुत आराम से। कहता है जेड लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम के लिमिटेड, जेड लिमिटेड पेड के लिमिटेड एज फॉलो, जेड लिमिटेड ने क्या क्या पे किया है के लिमिटेड को, ये पढ़ते हैं। बाय इशूइंग 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30%, 5,000 तो इक्विटी शेयर दिए हैं, 10 रुपए का एक था लेकिन 30% प्रीमियम पर दिया, ठीक है जी। 1,000 8% डिवेंचर दिए हैं, 100 रुपए का एक है, 10% डिस्काउंट पर दिया है, ठीक है जी। और बैलेंस बाय गिविंग अ प्रॉमिसरी नोट ऑफ 48,000 पेबल आफ्टर 2 मंथ, और मुझे कहा जाता है
past necessary journal entry for the purchase of machinery and payment to the K Limited in the books of Z Limited, ignoring writing of discount on issue of debenture. पढ़ लिया क्वेश्चन ढंग से, राइट ऑफ करके नहीं दिखानी डिस्काउंट, ठीक है जी। चलो अब मैंने क्या क्या पे किया है बेटा, सबसे पहले तो परचेस कंसीडरेशन ही निकाल लो। लो परचेस कंसीडरेशन क्या पे किया है आपने के लिमिटेड को, यही सोच लो सबसे पहले बेटा। एक तो आपने सबसे पहले इक्विटी शेयर दिए हैं, इक्विटी शेयर्स दिए हैं कितने, 5000 इक्विटी शेयर दिए हैं, 10 रुपए का था बेटा एक, लेकिन आपने प्रीमियम पर दिया 30% प्रीमियम बेटा, 10 का 30% 3 रुपए। मैंने बेटा यानी कि 13 रुपए का एक इक्विटी शेयर दिया, 13 × 5 65000 रुपए के तो इक्विटी शेयर ही दिए उसको, ठीक है जी। और क्या दिया बेटा, डिबेंचर्स दिए, कितने डिबेंचर्स, क्वेश्चन कहता है 1000 डिबेंचर 100 रुपए का एक है लेकिन 10% डिस्काउंट। ये 10% किसका निकलेगा, फेस वैल्यू का निकलेगा, तो यानी कि 10 रुपए की डिस्काउंट है, यानी कि बेटा 90000 रुपए के हमने डिबेंचर्स दिए, ठीक है। और क्या दिया हमने, प्रॉमिसरी नोट, कुछ और नहीं होता बेटा बिल्स पेबल, प्रॉमिसरी नोट दिया है हमने बेटा 48000 का, बिल्स पेबल दिया बेटा, कुछ और नहीं किया। तो बेटा टोटल पैसे जो हमने बेटा दिए हैं वो 203000 रुपए दिए, लेकिन दिए ऐसे ऐसे, ठीक है जी। तो करो एंट्री, दिक्कत क्या है, सबसे पहले हमने मशीनरी खरीदी तो आपने एंट्री की होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम के लिमिटेड है, के लिमिटेड अकाउंट 203000 रुपए देने हमने मशीनरी के, ये हमने कैसे दिए, मैं एक ही एंट्री में कर दूंगा, सब सामने देखना, एक मिनट के लिए सामने देखो, मैं बुक की तरह नहीं करूंगा, मैं एक ही एंट्री में सारी बात कर दूंगा। मैंने के लिमिटेड को 203000 रुपए दिए, कैसे, के लिमिटेड अकाउंट डेबिट 203000 रुपए देने, कैसे कैसे बेटा, यहीं से शुरू हो जाओ सीक्वेंस है, मैं एक लाइन छोड़ूंगा क्योंकि मुझे पता है डिस्काउंट है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले मैंने इक्विटी शेयर इशू करे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए के बेटा, जैसे डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू आती है वैसे इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने भी फेस वैल्यू जाती है, ठीक है ना, ये बात कल भी बोल चुका हूं, डिबेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू, सेम इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे फेस वैल्यू, 5000 इक्विटी शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू है, यानी कि बेटा 50000 रुपए के इक्विटी शेयर, यहीं पर 5000 इक्विटी शेयर में 3 रुपए का SPR है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 5000 × 3 यानी कि 15000 रुपए, ये 65000 रुपए रिकॉर्ड कर दिए मैंने, देख लो ये दोनों मिलाकर 65000 ही तो है। अब मुझे फिर रिकॉर्ड करना है, और क्या दिया मैंने, डिबेंचर्स दिए, कितने परसेंट है, 8% डिबेंचर, 1% डिबेंचर्स अकाउंट बेटा, अगेन डिबेंचर के सामने क्या है कि फेस वैल्यू, 1000 डिबेंचर × 100 100000 रुपए के डिबेंचर, 10 रुपए के डिस्काउंट है, डिस्काउंट लॉस है मेरा, डेबिट करना मत भूलना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितनी, 1000 डिबेंचर पे 10 रुपए यानी कि 10000 की डिस्काउंट। तो ये भी पूरा रिकॉर्ड हो गया, ये भी पूरा रिकॉर्ड हो गया, और बेटा कुछ और नहीं, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट 48000 खत्म। इनकी तरह अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो हमेशा ही ऐसे करते आए हैं पहले दिन से और अब तक भी ऐसे ही किया। तो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 17 तक सब हो गया, मेरी तरफ से कोई होमवर्क नहीं है, कल से मिलेगा होमवर्क, कल से नया कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।